सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A82 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि ऑलरेडी साउथ कोरिया के अंदर सैमसंग गैलेक्सी क्वेंटम 2 के नेम के साथ लॉन्च हो चुका है। और अभी जस्ट सैमसंग के अपडेट ट्रैकिंग पेज के ऊपर इसे सैमसंग गैलेक्सी A82 5G के नेम के साथ स्पॉट किया गया है। तो यही स्मार्टफोन ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया सैमसंग गैलेक्सी A82 5G के नेम के साथ आने वाला है। फीचर्स वगैरह बिल्कुल भी सेम होंगे जो कि सैमसंग गैलेक्सी क्वेंटम 2 स्मार्टफोन के अंदर थे, और इंडिया के अंदर सिर्फ नेम चेंजेस होंगे, बाकी फीचर्स वगैरह बिल्कुल भी सिमिलर होंगे। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट भी बाहर आ रही है कि इस डेट के साथ ये स्मार्टफोन ग्लोबली और इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलेगा। सो आज हम लोग इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। सो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, और अपने भाई की मेहनत को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। सो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर लुक एंड डिज़ाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन लुक एंड डिज़ाइन वाइज बिल्कुल भी सैमसंग गैलेक्सी A52 एंड A72 4G इंडियन वेरिएंट की जैसी होगा। सिर्फ यहाँ पे कैमरे सेटअप को लेकर हमें थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, बाकी पॉलीकार्बोनेट विद मैट फिनिश बॉडी के साथ देखने को मिलेगा। यहीं पे रियर पे ट्रिपल कैमरे के सेटअप के साथ आने वाला है, जहाँ पे 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर होगी विद OIS के सपोर्ट के साथ, एंड 12 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 5 मेगापिक्सल की मैक्रो शूटर। यहीं पे अगर फ्रंट साइड डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंचेस की क्वाड HD+ 2K रिजोल्यूशन के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है विद 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ, जहाँ पे 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट होगा। यहीं पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ आने वाला है इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले होगी, जहाँ पे हमें 10 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग मेगापिक्सल पे बिल्कुल भी मत जाना, देखते हैं सैमसंग की तरफ से इसे ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है। यहीं पे अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात करिए तो ये स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस 5G चिपसेट के साथ आने वाला है। अब देखते हैं यहाँ पे कितने 5G बैंड्स अवेलेबल होंगे, लेकिन अब पावरफुल चिपसेट है कैरो 480 एंड एड्रीनो 640 ग्राफिक के साथ आने वाली है। तो हाँ, यहाँ पे गेमिंग और मल्टीटास्किंग के ऊपर आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यहीं पे अगर बैटरी इमेज की बात करें तो 4500 एमएएच की बैटरी के साथ आने वाला है विथ 25 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट होगा। यहीं पे अगर कुछ अदर डिटेल्स की बात करें तो ये स्मार्टफोन कुछ 3-4 रैम रोम वेरिएंट के साथ आने वाला है, जिसकी बेस वेरिएंट 6128GB से स्टार्ट होगी, और अपर वेरिएंट कितने तक जाएंगे इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सपेंडेबल SD कार्ड का सपोर्ट होगा, जहाँ पर आप लोग 1 TB तक SD कार्ड को यूज कर सकते हो। बाकी अगर स्टोरेज टाइप की बात करें तो UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ आने वाला है विद बॉक्स इनवर्ट 11 एंड वन UI 3.1 के साथ आएगा। तो ये कुछ फीचर के साथ ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेगा। अब यहीं पे अगर एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइसिंग की बात करें तो ये स्मार्टफोन बताया जा रहा है कि भैया मिड ऑफ जून तक हमें इंडिया के अंदर और ग्लोबली के अंदर देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन जो है कोरिया के अंदर क्वांटम 2 के नेम के साथ लॉन्च हुआ है, जिसकी प्राइसिंग 45,000 के अप्रोक्स देखने को मिली है। अब देखते हैं इंडिया के अंदर ये स्मार्टफोन किस प्राइसिंग रेंज के साथ आएगा, बट एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है कि इंडिया के अंदर भी ये स्मार्टफोन 45,000 to 50,000 के अप्रोक्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर सैमसंग ब्रांड की वैल्यू की बात करें तो वो तो आपको पता ही है। तो इस स्पेसिफिकेशन के साथ इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो शायद ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर एक डिसेंट स्मार्टफोन हो सकता है। अब आपकी ओपिनियन क्या होती है ये स्मार्टफोन के रिगार्डिंग, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते किसी के वीडियो के साथ। बाय बाय।